बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2024 के रिलेटेड है। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉल 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम एडमिशन्स, जॉब्स और स्कॉलरशिप्स की अपडेट जो मिलती रहे। इसके अलावा हमने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई की सर्विसेज जो है वो भी स्टार्ट की हैं। आप घर बैठे कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे अप्लाई करवा सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 03186845766 पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 5 जुलाई 2024 है, जबकि एडमिशन टेस्ट जो है 8 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक कंडक्ट किया जाएंगे। एडमिशन्स की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली चिनियोड कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, कराची कैंपस, लाहौर कैंपस और पेशावर कैंपस जो है इनमें ओपन है। एडमिशन्स की बात करें तो फैसलाबाद कैंपस में BBA प्रोग्राम, इसके अलावा BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, BS फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है इन प्रोग्राम्स में ओपन है। जबकि इस्लामाबाद कैंपस की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली BBA प्रोग्राम, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स जो हैं इनमें ओपन है। कराची कैंपस की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, BS कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ओपन है। लाहौर कैंपस की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली BBA प्रोग्राम, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, बिजनेस एनालिटिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में ओपन है। जबकि पेशावर कैंपस की बात करें तो एडमिशन जो है बेसिकली BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए अपने सबसे पहले फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मेन वेबसाइट है इसे ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है एडमिशन्स का। एडमिशन्स के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। सबसे पहले अपने फीस स्ट्रक्चर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जिस प्रोग्राम में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका फीस स्ट्रक्चर जो है आपने लाजमी चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल BBA प्रोग्राम और BS प्रोग्राम्स के पर क्रेडिट आवर फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ है। फीस स्ट्रक्चर जो है वो चेक करने के बाद अपने एडमिशन्स के ऑप्शन के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है टेस्ट पैटर्न का। टेस्ट पैटर्न के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जिस प्रोग्राम में अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है उसका अपने टेस्ट पैटर्न जो है वो लाजमी चेक कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल BS कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के टेस्ट पैटर्न की बात करें तो इंग्लिश की 10% वेटेज है। इसके अलावा एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ की जो है वो 20% वेटेज है। बेसिक मैथ की 20% वेटेज है। एडवांस मैथ की जो है 50% वेटेज होगी। इसी तरह BBA, BS अकाउंटिंग एंड फिनांस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्रोग्राम की बात करें तो इंग्लिश की जो है वो 10% वेटेज है। ऐसे राइटिंग की 15% वेटेज है। एनालिटिकल स्किल्स एंड IQ की 25% वेटेज है। बेसिक मैथ की जो है 50% वेटेज है। एडमिशंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने एडमिशंस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है हाउ टू अप्लाई का। हाउ टू अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपके सामने लिंक शो हो रहा है admissions.nu.edu.pk, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले अपने एडमिशन पोर्टल पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है क्रिएट एन अकाउंट, इस ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपने नेशनलिटी जो है अपनी वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद CNIC नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन नंबर अपना इंटर करना है। इसके बाद ईमेल एड्रेस इंटर करना है। ईमेल एड्रेस को अपने रीटाइप करना है। इसके बाद अपने पासवर्ड जो है अपना वो इंटर करना है। पासवर्ड को रीटाइप करेंगे। इसके बाद अप्लाइंग फॉर जो है अपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या PhD प्रोग्राम्स के लिए, अपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद अपने रजिस्टर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एडमिशन पोर्टल पे अकाउंट जो है वो क्रिएट करने के बाद अपने अकाउंट को अपने लॉगिन करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद सबसे पहले अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने प्रोफाइल पिक्चर जो अपनी वो अपलोड करेंगे। ब्लू बैकग्राउंड में या वाइट बैकग्राउंड में पिक्चर जो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अपने CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद सबसे पहले अपने फुल नेम जो है अपना वो इंटर करना है। इसके बाद जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है अपने वो इधर सेलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने फादर का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो है अपने वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्री का नेम अपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी का नेम जो है अपने वो सेलेक्ट करना है। अगर आप डुअल नेशनल हैं तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज अपने नो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो अपने येस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद अपने करंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद अपने परमानेंट एड्रेस जो अपना वो इंटर करना है। इसके बाद आपने इन्फॉर्मेशन बतानी है कि आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह रिसीव हुई है, अपने वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है अपनी वो इंटर करनी है। सबसे पहले मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन जो है अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने सर्टिफिकेशन जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, मैट्रिक किया या ओ लेवल किया अपने ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद बोर्ड का नेम आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपने स्कूल का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद मैट्रिक का पासिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद मैट्रिक का रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। ऑब्टेंड मार्क्स आपने इंटर करने हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं और अपने मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो अपने वो अपलोड करनी है। इसके बाद इसी तरह इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन जो अपने वो इंटर करनी है। सबसे पहले अपने ग्रुप जो है अपना वो सिलेक्ट करना है। FSC प्री इंजीनियरिंग की है, प्री मेडिकल की है, आईकॉम की है, ह्यूमैनिटीज़ की है, ये अपने सेलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेशन जो अपने वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप FSC पार्ट 1 के बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने HSSC 1 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इनकेस आपका रिजल्ट जो है वो 2023 में क्लियर हो चुका है, अपने FSC कंप्लीट कर लिया 2023 में, तो अपने HSSC 1+2 जो है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अपने बोर्ड का नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद कॉलेज का नेम जो है अपने वो इंटर करना है। इसके बाद FSC का पासिंग ईयर जो है अपने वो सिलेक्ट करना है। रोल नंबर जो है अपने वो इंटर करना है। ऑब्टेंड मार्क्स जो है अपने वो इंटर करने हैं। टोटल मार्क्स आपने इंटर करने हैं और अपने FSC रिजल्ट कार्ड की पिक्चर जो है अपने वो अपलोड करनी है और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटर करने के बाद अपने प्रेफरेंस जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले अपने कैंपस की प्रेफरेंस जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है, कौन से कैंपस को आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपने कैंपस की प्रायोरिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। इसके बाद अपने डिसिप्लिन की प्रायोरिटी जो है अपनी वो सिलेक्ट करेंगे। प्रोग्राम्स की प्रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने टेस्ट टाइप जो अपनी वो सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट के बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने NU टेस्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इन केस आप NTS नेट टेस्ट के बेस के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल टेस्ट टाइप जो है वो सिलेक्ट करने के बाद अपने सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद अपने फी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इधर आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है प्रिंट चलान का, प्रिंट चलान के ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी वाउचर जो है वो शो हो जाएगा, जो कि बेसिकली 3500 रुपीज़ के, जो कि आप किसी भी फैसल बैंक की ऑनलाइन ब्रांच में जो है सबमिट करवा सकते हैं। फीस जो है वो सबमिट करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल।